हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोवेट फाइनेंशियल सॉल्यूशन में और मैं आपका दोस्त गौनिक। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है अनंत राठी के अंदर, मतलब अनंत राठी के आईपीओ के अंदर हमें सब्सक्राइब करना है या नहीं। तो सबसे पहले हम उनकी डिटेल्स की फिर से एक बार चर्चा करेंगे, जिन्होंने नई वीडियो पिछली देखी मेरी, उनके लिए आईपीओ 2 दिसंबर 2021 को ओपन हुआ था और कल यानी 6 दिसंबर 2021 को बंद होने जा रहा है। अलॉटमेंट की डेट है 9 दिसंबर 2021 और जिसको अलॉटमेंट नहीं आएगी उनकी रिफंड की डेट है 10 दिसंबर 2021। जिसको अलॉटमेंट आ जाएगी उसके डीमैट अकाउंट में शेयर 13 दिसंबर 2021 को आ जाएंगे और फाइनली इसकी सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग होगी 14 दिसंबर 2021 को। फेस वैल्यू इस शेयर की 5 रुपए प्रति शेयर है, ठीक है। आईपीओ का प्राइस बैंड 530 से 550 है और जो इच्छुक जो चाहते हैं मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आए वो 550 यानी कट ऑफ प्राइस पे टिक करके इसे अप्लाई करना। मार्केट लॉट 27 शेयर का है, मिनिमम आप 27 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनएससी और बीएससी पे इसकी लिस्टिंग होगी। इश्यू का साइज है मात्र 660 करोड़ का और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है, मतलब पैसे प्रमोटर्स को जाएंगे, कंपनी को कुछ नहीं जाएगा, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको 25 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट दे रहे हैं कंपनी, जिसे कहते हैं एम्प्लॉय डिस्काउंट। अब बात करेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, उससे जजमेंट करेंगे कि इसे इसके अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। QIBs सबसे पहले नंबर पे, सिर्फ मात्र सेकेंड डे तक QIBs ने 17% सब्सक्राइब किया है आउट ऑफ 100। NIIs ने अपना कोटा फुल कर दिया है और ओवर सब्सक्राइब कर दिया है, मतलब 3 गुना ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है NII कोटा में। रिटेल की बात करो तो रिटेल 5.5% रिटेल कोटा 5.5 गुना भर गया है। एम्प्लॉय कोटे की बात करें तो एम्प्लॉय को अभी भी कंपनी में पूरा फेथ नहीं है, उन्होंने अभी भी इसको फुली सब्सक्राइब नहीं किया। मात्र 66% 100 में से 66% ही अभी एम्प्लॉयज ने अप्लाई किया है। टोटल की बात करें तो 3 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। अब बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की। 2 दिसंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 130 रुपए प्रति शेयर आ रहा था, 3 दिसंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 130 आ रहा था, उसके बाद 3 दिसंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम घटकर 90 रुपए प्रति शेयर हो गया और 4 दिसंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 85 रुपए था। बाद में 4 दिसंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम घटकर जब मार्केट गिरी तो 50 रुपए प्रति शेयर हो गया। अब बात करें 5 दिसंबर की, आज की, आज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 55 रुपए प्रति शेयर का चल रहा है और अगर इसी रेट पे शेयर की लिस्टिंग होती है तो हमें 10% का शुद्ध मुनाफा होगा। बट आपको पता है मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव है, ओमिक्रॉन वायरस जौन सा नया कोविड का वेरिएंट आया है उसके हिंदुस्तान में भी केसेस पाए जा रहे हैं। आज आप देखिए कि दिल्ली में भी एक केस हमें मिल गया है इसका, तो मार्केट के अगर सेंटीमेंट डाउन होंगे तो हो सकता है इस शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम और घट जाए और 10 से 5% रह जाए और हो सकता है कि ये डिस्काउंट पे भी खुल जाए। अगर आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो इसके अंदर आप अप्लाई कीजिए। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। मेरी बात करेंगे तो मैं इसके अंदर सब्सक्राइब करूंगा क्योंकि मेरे रिस्क का पोटेंशियल बहुत हाई है। मुझे पता है कि अपना शेयर फंसा हुआ भी बाहर कैसे निकालना है और अगर आपको भी ऐसी एडवाइजरी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। हमारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस आते हैं उसके अंदर सब्सक्राइब कीजिए और मार्केट की गिरावट में मोटा पैसा कमाइए, शुद्ध मुनाफे, ठीक है दोस्तों। मैं इसके अंदर सब्सक्राइब कर रहा हूं, आप करेंगे या नहीं करेंगे, अगर कर दिया है कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं किया नहीं करना फिर भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब हम बात करेंगे निफ्टी की, निफ्टी 50। आपने देखा कल जाते जाते शुक्रवार को
फिर से मार्केट में गिरावट आ गई। और कुछ दिनों पहले मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि निफ्टी के अंदर गिरावट आ सकती है। आप देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, एक छोटे फ्रेम पे एक बड़े फ्रेम पे, और निफ्टी जो भी सपोर्ट ले रही है बार बार वो 100 डे मूविंग एवरेज पे ले रही है। मुझे लगता है कि निफ्टी के जो टारगेट्स हैं, पहला टारगेट 16,700 और दूसरा टारगेट 16,600, ये टारगेट्स आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। मार्केट में न्यूज बाद में आती है, बट जो ट्रेंड होता है ना वो शेयर का, मतलब जो टेक्निकल चार्ट पे जो ट्रेंड होता है वो पहले ही दर्शा देता है कि मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड आएगा या डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। अभी डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, मार्केट नीचे गिर सकती है 16,700 16,600। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए और उनसे जानिए कि हमें कौन से शेयर्स लेने चाहिए डिप पे, ताकि हम पैसे कमा सके। हर कोई नहीं कमाता, ठीक है। अब निफ्टी हो सकता है कि दोबारा जो अगली सपोर्ट इसकी बनती है वो 150 डे मूविंग एवरेज की बनती है, और वो बन रही है 16,650 से लेके 16,700 तक। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है, और मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ रही है, तो ये बहुत अच्छे सपोर्ट जोन है। वो लेवल टूटेगा तो हो सकता है निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने जाए। तो वो सब टारगेट्स जानने के लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको झट से पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।